जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां गौकशी को लेकर बवाल मचा है, जिसके बाद पथराव में एक एसएचओ शहीद हो गया। दरअसल गौहत्या की खबर के बाद बुलंदशहर के चंद्रावटी थाना क्षेत्र में बवाल मच गया। कुछ हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा तो पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी तक फूंक डाली। पथराव के दौरान एसएचओ सुबोध कुमार को सिर में चोट लग गई। बाद में इलाज के दौरान सुबोध कुमार ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, पथराव में दारोगा सुरेश चौधरी समेत कई जवान घायल हो गए हैं। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गौहत्या को लेकर हंगामे में एसएचओ की जो है मौत हो गई। आपको बता दें, बुलंदशहर में एक एसएचओ की मौत हो गई। घायल एसएचओ ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में गौहत्या को लेकर बवाल मच गया, जिसके बाद पुलिस ने लड़ाई सुलझाने की कोशिश की। पुलिस और आरोपियों के बीच झड़प हुई, जिसमें एसएचओ की मौत हो गई। आपको बता दें, भीड़ काबू करने के लिए पुलिस गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी बीच इस झड़प में एक एसएचओ की जो है मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, पथराव के दौरान एसएचओ सुबोध कुमार को सिर में चोट लग गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान सुबोध कुमार ने दम तोड़ दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भयावह है। यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और आग भी लगा दी गई गाड़ियों में। भीड़ के पथराव में थाना प्रभारी की मौत हो गई। बुलंदशहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां इस तोड़फोड़ में पुलिस को चोट लग गई और इलाज के दौरान पुलिस की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर तमाम जानकारी के लिए दीपांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, क्या कुछ पूरा मामला सामने आया है और अब इस वक्त वहां की स्थिति क्या है? इस वक्त वहां की स्थिति शांति है, पुलिस शांति बता रहे, लेकिन पुलिस अभी बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं है। पुलिस के उच्च अधिकारी भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एडीजी और आईजी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस वहां छावनी बना हुआ है, पूरा क्षेत्र पुलिस बहुत ज्यादा तैनात कर दी गई है वहां पर। जी दीपांशु, आखिर किस बात को लेकर ये लड़ाई हुई? पूरा मामला क्या कुछ सामने आ रहा है अब तक? इसमें पशु कटान को लेकर सारा एक बवाल हुआ है। इसमें पशु कटान की सूचना दी जा रही थी, लेकिन पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जी, इस वक्त फिलहाल क्या स्थिति है और क्या पुलिस बल तैनात किए गए हैं? सुरक्षा के कैसे फिलहाल इंतजाम किए गए, क्योंकि इतनी तोड़फोड़ हुई है? बवाल में हिंदू संगठन की ओर से हंगामा किया गया है और इसमें एसएचओ को पत्थर लगा है। पत्थर लगने से इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। जी दीपांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक एसएचओ की जो है मौत हो गई। वहीं पुलिस और कुछ लोगों के बीच झड़प हो रही थी गौ तस्करी को लेकर, जिसके बाद एक एसएचओ की मौत हो गई इलाज के दौरान। और इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रसेन, बुलंदशहर में एक एसएचओ की जो है वो मौत हो गई और फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है और क्या कुछ जानकारी है? अंशिका, देखिए बता दूं, स्लॉटर हाउस का कुछ हिंदू संगठन के जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे। सियाना गांव है बुलंदशहर में, वहां की पूरी घटना बताई जा रही है। पिछले काफ़ी समय से ये लोग विरोध कर रहे थे स्लॉटर हाउस का, और ये मांग कर रहे थे कि जो वहां पर स्लॉटर हाउस है उनको बंद कर दिया जाए। और आज इसी स्लॉटर हाउस को लेकर दोबारा कुछ लोग जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, और आनंद फानन के चलते पुलिस को जो भीड़ है वो छाटने के लिए, क्योंकि जो प्रदर्शन था वो थोड़ा सा उग्र हुआ, जिसको चलते जो पुलिस है उसको छाटने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग में बताया ये जा रहा है दो प्रदर्शनकारी जो है वो घायल हो गए थे, और इसी बात को देखते हुए प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने गोली चलाई, और गोली जो लगी वो एसएचओ सुबोध कुमार को लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि गोली लगने के बाद सुबोध कुमार को
अंशिका आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। बहरहाल अगर वहाँ की ताज़ा स्थिति की बात करें तो इस वक्त पूरा जो बुलंदशहर है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। पीएससी की कई यूनिट्स को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही आईजी, डीआईजी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर जो आनंद कुमार है खुद मौके पर अब से कुछ ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और मौके का जायजा लेंगे। अंशिका सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले काफ़ी समय से स्लॉटर हाउस को लेकर वहाँ पर जो लोग थे वो विरोध कर रहे थे, लेकिन शासन ने नहीं सुनी ना प्रशासन ने सुनी। लोगों का ऐसा कहना है कि उन लोगों ने कई बार लिखित शिकायत भी थी, लेकिन शिकायत देने के बावजूद भी स्लॉटर हाउस को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और आज इसी स्लॉटर हाउस को बंद कराने के लिए दोबारा प्रदर्शन किया जा रहा था। भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौके पर तैनात किया गया था, लेकिन जब भीड़ उग्र होने लगी तो जो पुलिस है अंशिका उन लोगों ने हवाई फायरिंग की। हवाई फायरिंग में दो प्रदर्शनकारियों को गोली लगी थी और सबसे बड़ा ताज़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है अंशिका कि एक प्रदर्शनकारी की भी इस पूरी घटना में मौत हो गई है। बहरहाल स्थिति पूरी वहाँ पर तनावपूर्ण है अंशिका। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद बुलंदशहर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी इंद्रसेन, ये जो पूरा मामला है ये गौ हत्या को लेकर हुआ, जिसके चलते पुलिस बीच में आई और पुलिस और आरोपियों के बीच जो है झड़प हो गई, तो ये गौ तस्कर का मामला कब से चलता आ रहा था? अंशिका देखिए बता दूं, अभी गौकशी की बात सामने जरूर आ रही है, लेकिन अभी इस पे कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। स्लॉटर हाउस की बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि बुलंदशहर में स्लॉटर हाउस बहुत ज़्यादा संख्या में है और पिछले काफ़ी पुराने समय से वो स्लॉटर हाउस चलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन जो है हिंदू संगठन वो स्लॉटर हाउस को बंद करने की मांग कर रहे थे और कुछ लोकल से जो लोग हैं वहाँ पर, जो सियाना गाँव के लोग हैं, वो लोग भी स्लॉटर हाउस से परेशान थे। इसी वजह से स्लॉटर हाउस को बंद कराने के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था और आज दोबारा भारी संख्या में जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे और स्लॉटर हाउस को बंद कराने के लिए उनकी पुलिस से झड़प हुई। और इस झड़प में जो प्रदर्शनकारी थे अंशिका उन लोगों ने चौकी में आग लगा दी, कई गाड़ियों को जला दिया गया। इस पूरी घटना में बताया जा रहा है तकरीबन आधा दर्जन जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल है। साथ ही जो SHO सुबोध कुमार है उनकी गोली लगने से मौत हो गई। अंशिका इस पूरे मामले पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो बुलंदशहर अब से कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। साथ ही जो ADG आनंद कुमार हैं उनका एक कहना है कि स्थिति जो बुलंदशहर की है वो अब फिलहाल कंट्रोल में है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और पूरी तरह से जो स्थिति है इस वक्त कंट्रोल में है। अंशिका जी इंद्रसेन, फिलहाल अभी तक किसी भी अधिकारी का क्या कुछ कहना सामने आया है? अंशिका देखिए, जो SSP हैं बुलंदशहर के उनका बयान सामने आया है, वो मीडिया से रूबरू हुए हैं। उनका एक कहना है कि जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और ये इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है और जो लोग प्रदर्शनकारी, जिन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और जिन लोगों ने SHO को गोली मारी, साथ ही जिन लोगों ने वहाँ पर पूरी तरह से सरकारी गाड़ियों में और जो आम जनता की गाड़ियाँ थी उनमें भी आग लगाई गई, चौकी में तोड़फोड़ की गई, तो वीडियो फुटेज की मदद से भी उन लोगों की पहचान की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की अगर स्थिति की बात करें अंशिका, तो इस वक्त पूरी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। PSC की कई यूनिट्स को लगाया गया है, साथ ही लोकल थाने की जो बुलंदशहर की पुलिस है उनको भी सियाना के जो जहाँ पे पूरी घटना हुई है वहाँ पर बुला लिया गया है, तो भारी संख्या में पुलिस बल को वहाँ पर तैनात किया गया है अंशिका। और साथ ही जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। जी इंद्रसेन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इंद्रसेन यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। और बुलंदशहर में आपको बता दें कि बड़ी खबर बुलंदशहर की, जहां बुलंदशहर में एक SHO की मौत हो गई, आरोपी और SHO की झड़प हुई जिसमें SHO की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुलंदशहर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां भीड़ के पथराव में थाना प्रभारी जो है घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान जिसकी मौत हो गई। वहीं पथराव में दारोगा सुरेश चौधरी समेत कई जवान भी घायल हो गए हैं। इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल को जो है तैनात कर दिया गया है। फिलहाल